This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. जिला मंडी के सदर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथ पत्थर में खोले गए आदर्श नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र के एक वर्ष पूरे होने पर नशा मुक्ति मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर और मनोचिकित्सक अनीता ठाकुर द्वारा नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नशा मुक्ति केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता ठाकुर ने नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र में भर्ती नशे से ग्रस्त व्यक्तियों को बताया कि नशा भी एक बीमारी की तरह होता है, जिसका समय पर इलाज न किया जाए तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जिला मंडी के सदर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथ पद्धर में खोले गए आदर्श नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र के एक वर्ष पूर्ण होने पर नशा मुक्ति मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत ठाकुर और मनोचिकित्सक अनीता ठाकुर द्वारा नशा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नशे से ग्रस्त व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि ठीक होने के बाद वह अपने क्षेत्र के आसपास के नशे से ग्रस्त व्यक्तियों को नशा न करने के लिए प्रेरित करें या उन्हें नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र में लाएं ताकि वह स्वस्थ होने के बाद पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सके। जो लोग नशे से ग्रस्त हैं, नशा जो हम समझ सकते हैं कि नशा एक सिर्फ ये हैबिट नहीं है, नशा एक बीमारी है। जैसे और बीमारियों का इलाज होता है, वैसे इसका भी इलाज है। पर इसमें हमारे साथ साथ जो है आप लोगों का भी जो है हमें योगदान चाहिए। अगर हम सिर्फ दवाई देखेंगे और दवाई से सोचेंगे कि दवाई से ठीक होगा, सब कुछ वैसा नहीं हो सकता। जब तक कि आप लोगों की खुद की विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक जो है इसमें हम जो ये चीज़ मुकाम जो हासिल नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से सब इसी ये राय है कि आप लोग जो हमारी डॉक्टर नीता दवाई लिखते हैं, जो यहाँ आपको हो रही हैं, मिल रही हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, तो आप किसी भी टाइम जो है हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे स्टाफ को बता सकते हैं। जो आज हमने छोटा सा प्रोग्राम किया है, डॉक्टर अनीता ठाकुर जो 5 साल आज हमारे जो मतलब आज 5 सितंबर को जो है हमने ये स्टार्ट किया था पिछले साल, तो इसको आज 1 साल की जो होने के उपलक्ष्य में जो है हम लोगों ने आज छोटा सा आप लोगों के साथ गेट टुगेदर रखा हुआ है। आगे मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ डॉक्टर अनीता से अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा सा शब्द आप लोगों के साथ अपना मैं थैंक्स करना चाहूँगी जो आपने अपने लिए चेंज लाने के लिए खुद को मोटिवेट करने के लिए ये स्टेप उठाया कि आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। सब में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना ध्यान रख सकें, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं है, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी भी अफेक्ट होते हैं। तो मैं आप सबका थैंक्स करूँगी, अपने स्टाफ का थैंक्स करूँगी जो डेडिकेटेड है आपकी सेवाओं के लिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी को कभी भी हो तो आप जब मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जब आप यहाँ से जाएंगे तो ट्रीटमेंट खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद में भी आपको कॉन्टैक्ट में रहना है। आपके कंटेंट में और भी जो लोग आते हैं उन्हें भी आप प्लीज़ बताएं कि इस चीज़ से खुद आप कोशिश कर सकते हैं, पर क्योंकि ये बीमारी है जैसा कि डॉक्टर ने बताया, तो आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है चेंज के लिए, अपने अंदर चेंज लाने के लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी और सबका धन्यवाद करूँगी जो आप यहाँ उपस्थित हुए और आगे के लिए कॉन्टिन्यूस हमारे कंटेंट। हिमाचल प्रदेश राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तत्वाधान में जोनल अस्पताल मंडी द्वारा संचालित किया जा रहा है इस नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र में एक साल में 36 नशे से ग्रसित व्यक्ति अपना इलाज करवा चुके हैं और अभी 14 लोग नशा निवारण व पुनर्वास केंद्र में भर्ती हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।